नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। रात के अंधेरे में तेजस्वी यादव की मौजूदगी में रमा सिंह की पत्नी को टिकट दे दिया गया। रमा सिंह की एंट्री आरजेडी में ऑफिशियली हो गई। इन तमाम चीज़ों के बाद अब जदयू नेता अभिषेक झा ने रमा सिंह की इस तरीके की एंट्री पर सवाल खड़े किए हैं। जदयू नेता अभिषेक झा ने सवाल करते हुए कहा है कि रात के अंधेरे में चोरी चुपके रमा सिंह की राजद में एंट्री कराकर और उनकी पत्नी को टिकट देकर तेजस्वी यादव जी ने स्वर्गीय रघुवंश बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। राजनीतिक शुचिता को हर वक्त ताक पर रखने वाली पार्टी आरजेडी का असली चेहरा एक बार फिर से उजागर हुआ है। जब वो जीवित थे तब भी राजद की तरफ से उनका कितना अपमान हुआ। तेज प्रताप यादव जी ने तो उन्हें एक लोटा पानी के बराबर बता दिया। हाँ, यह बात अलग है कि रघुवंश बाबू के देहांत के उपरांत लोगों ने झूठी सहानुभूति के लिए बड़ा नाटक किया। रघुवंश बाबू इन लोगों के रवैये से कितने आहत थे कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। रघुवंश बाबू के परिवार के लोग ने उनका पार्थिव शरीर आरजेडी कार्यालय तक नहीं ले जाने का ऐलान कर दिया। अंत में इन बातों को दरकिनार करके वही हुआ जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चाहते थे। तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि स्वर्गीय रघुवंश बाबू का जीते जी तो आप सम्मान नहीं कर पाए, लेकिन उनके देहांत के उपरांत भी आपने उन्हें यह किस तरह की श्रद्धांजलि दी है, ये सवाल पूछा है अभिषेक झा ने। क्या कुछ कहा है, छोड़े जाते हैं आपको अभिषेक झा के बयान। रात के अंधेरे में तेजस्वी यादव जी ने रामा सिंह जी की एंट्री राजद में करवाई और उनकी पत्नी को टिकट भी दे दिया। राजनीतिक सुचिता को ताक पर रखने वाली पार्टी ने उसका एक और उदाहरण भी पेश किया। जीते जी रघुवंश बाबू ने रामा सिंह जी की एंट्री का इतना विरोध किया था, वे इस बात से इतने आहत थे कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन पार्टी ने उनका सम्मान किस तरह से किया। तेज प्रताप यादव जी ने उन्हें एक लोटा पानी के बराबर तक बता दिया। रघुवंश बाबू इस बात से कितने आहत थे कि उनके परिवारजनों ने उनका पार्थिव शरीर भी राजद कार्यालय नहीं जाने दिया। उनके स्वर्गवास के उपरांत तेजस्वी यादव जी ने झूठी सहानुभूति का नाटक जरूर किया, लेकिन अब रामा सिंह जी की एंट्री करवाकर यह किस तरह की श्रद्धांजलि रघुवंश बाबू को दी गई है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को यह बात जरूर स्पष्ट करनी चाहिए।